रेलवे रोड नंगल विखे उस समय स्थिति गंभीर हो गई जदों अज प्रशासन 275 खसरा नंबर जमीन की निशानदेही करन दे लई पहुंचिया। जिक्रयोग है कि निकू नंगल निवासी एक व्यक्ति ने इस जमीन ते अपना मालकाना हक जताते हुए हाईकोर्ट दे विच रिट पाई सी ते हाईकोर्ट दे आदेशों तो बाद प्रशासन नूं इस जमीन की निशानदेही करन दे हुकम प्राप्त होए हन, जिस तों बाद अज प्रशासनिक अधिकारी जिन्हां दे विच SDM नंगल, कानगो, पटवारी ते होर भी कई अधिकारी निशानदेही करन दे लई पहुंचे, जिसका पता चलदिया ही रेलवे रोड विखे लोगों का इकट्ठ जमा हो गया। जिस जगह की अज निशानदेही हो रही है उत्थे कई उसारियां हो चुकी हैं ते उन्हां उसारियां दे मालक इसका विरोध कर रहे हैं कि यह जमीना उन्हां दे पुरखियां दियां हैं ते उन्हां वल्लों यह जमीना खरीदियां गई हैं, पर जानबूझ के कुछ शरारती व्यक्तियों के वल्लों यह जमीनी विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस मामले नूं लैके अज व्यापार मंडल के प्रधान अते स्थानक वासियां ने एकजुट हो के इस गल का भी ऐलान किया कि जेकर यह विवाद नहीं सुलझा तो समुचे रेलवे रोड निवासी इस नूं लैके जो भी संभव होया वह कार्रवाई करनगे ते जे उन्हां नूं संघर्ष भी करना पिया तो उन्हां वल्लों वह भी किया जाएगा। शिकायतकर्ता निकू नंगल निवासी ने दस्सिया कि उन्हां दे पुरखियां दे 210 किले जमीन दे हन जिन्हां उत्ते कई थावां उत्ते कब्जे हो चुके हन। उन्हां मंग कीती है कि जिस थां दे उत्ते सरकारी उसारियां हो चुकियां हन उस जगह दा उन्हां नूं मुआवजा दिता जावे। आओ वेखदे हां पूरा मामला ते गलबात करदिया निकू नंगल निवासी शिकायतकर्ता SDM नंगल अते रेलवे रोड निवासियां ने आखिर की कहा। नंगल सिटी अपडेट दे लई अविनाश शर्मा दी रिपोर्ट। ਲੱਠਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। रेलवे रोड व्यापार मंडल वालों जिहड़ा ये रेलवे रोड दे विच जो भी ये अपना जाल बिछाण आए हैं असीं उसकी निखेधी करते हैं। ये कुछ बंदियां दी साजिश हैगी, ये बंदे भूख माफिया हैगे। ये लट्ठा जिहड़ा पुराना ओरिजिनल है वह लट्ठा भी इन्होंने गैप करिया वा, उन्होंने अपने जो इन्हों बेनीफिट लगता वह इन्होंने लट्ठा आप तैयार करवा के वह साढ़े तो अडोप्ट कराना चाहते हैं भी ये लट्ठे के मुताबिक साड़ी जगह बनती है। असीं इन्हों कहें भी तुम लट्ठा जिहड़ा ओरिजिनल है वह लैके आओ, उस हिसाब से जो थोड़ी जगह निकलती होगी असं छड़न लई तैयार हैं। पर इन्होंने पहला इन्होंने सारिया पेमेंटा लै चुके हैं, सड़क निकली सड़क की भी पेमेंट लै चुके हैं, जिहड़ियां होर भी जगह अक्वायर हुई उन्होंने भी लै चुके हैं। वैसे कुछ बंदियां ने पुराने जिहड़े रिटायर्ड बंदे जां कोई डिपार्टमेंट दे जिहड़ी कोई नॉलेज रखदे कोई सस्पेंड होए बंदे वो इन्हां दे नाल रले हुए हैं। वह बंदियां ने सारा इन्होंने परेशान करने लई लोगों नूं ये सारा इन्होंने साजिश रची हुई है। असीं प्रशासन नूं बेनती करदे हां कि जिहड़े बंदे पहले तो डिपार्टमेंट चो रिटायर जां कोई सस्पेंड होए बंदे हैं वो थोड़े सरकारी रिकॉर्ड के नाल दफ्तर दे विच बह के छेड़खानी करदे हैं, उन्हां दे उपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहीदी है। असी निखेधी कर असी बकायदा असी सारे रेलवे रोड की व्यापार मंडल की और असी पूरे अपने वार्ड की असी मीटिंग करांगे, असी सारे एकजुट हैं। जे सानू कितें संघर्ष करना पे असी करांगे, कितें नक धरना देना पे असी धरना देवांगे। जो भी सानू करना पे सारे रेलवे रोड निवासी जिहड़े है असी लिख के भी देवांगे महकमे नूं और असी इहदे ते जिद्दां दी कार्रवाई करनी पई करांगे। ये असी लोगों को कहने भी थोड़ा शांति रखो, कोई दिक्कत नहीं। निशानदेही तो कोई एक व्यक्ति है निकू नंगल तो जिहड़ा वो इहदे विच अपने आप नूं मालक बता दस रहा, उन्हें को कोर्ट के जरिए ऑर्डर लए हैं तां करके माल महकमा इत्थे आए ने तो वो आके अजे पड़ताल कर रहे हो। जिस लट्ठे दे जोड़ दे उत्ते जिस लट्ठे दे उहदे नाल करदे पए भी हाँ जी यह इधर हैगी है निकलती है तो लट्ठा ही गलत है, उन्हूं ही असीं खारिज करते हैं। महकमा भी यही कहिंदा भी यह लट्ठा ओरिजिनल नहीं है। ये कुछ अज का नहीं को 35-40 साल तो जोड़ा कुछ माफिया है भू माफिया जोड़ा ये उन्होंने ये सारा इतों का रिकॉर्ड गायब किया हुआ। यदि तो बड़ी उच्च पदरी जाँच होनी चाहिए, CBI की जाँच होनी चाहिए है। ये लोगों को परेशान करते हैं, अज नहीं 5-7 साल बाद लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता। होर भी इतने पहला भी होया अगे मार्केट से दुकान लगे चंद्रमोहन घई हुई लगे से बना उ आ गए सब्जी मंडी के बच्चा ता उ आ गए उदों फिर हर वेले पैसे लेंदे पैसे लैके अपना वो कर लेंगे। तो हुण इन्हां दी इनवैसटमेंट है, इन्होंने हाई कोर्ट च या किते जा के किसी तरह कोई एक दो पुराने रिटायर्ड सस्पेंडेड बंदे जिहड़े है वह इन्हां दी उहदे विच मदद करदे पए। महकमे नूं चाहीदा इदां दे जिहड़े गंदे अंसर है ये माहौल खराब करन दा प्रयास कर रहे हैं, इहदे विच माहौल खराब होएगा। जिहदी प्रॉपर्टी उह तां फिर कुछ करेगा ही, जो सारे कोई सेंसेबल तां है नहीं। जे किसी नूं गुस्सा आ गया भाई यार मेरे दादे दी खेती उप हुण जिहड़ी प्रॉपर्टियां दी गल करदे आ ये सन 50 साल 60 साल साढ़े जन्म तो पहला दियाँ बनिया हुई आ गौरमेंट की रिक जी है जी अलॉटड सारी प्रॉपर्टी है। इधर भी कह रहे हैं इधर भी कह रहे हैं वो जो रब ना करता उधरले पासे जे रेलवे ट्रैक ना आता वह भी इन्होंने कदे वो नहर का पुल दसी जाते हैं ओवरब्रिज दसी जाते हैं कितने शमशान घाट में दसी जाते हैं।
ये बहुत गलत है। प्रशासन नूं इहदे ते चंगी तरह एक्शन लेना चाहिए और जिहड़े बंदे इहनां च दोषी है जिहड़े सारयां नूं प्रशासन और जिहड़े इहनां नूं महकमे नूं गुमराह कर रहे हैं सस्पेंडेड है दो दो चार चार वारी उहनां दे उत्ते कार्रवाई की जाए ताकि इत्थे इह वी इक दंगा कराउण दी साजिश है। जिन्हां दी इन्नी पुरानी प्रॉपर्टी है तो उह किस तरह लगे करन अपने बाप दादां दे टाइम दी प्रॉपर्टी अगे न्याणे करदे पे हुण कहिंदे जी असीं मालिक हो गए जी बड़ी माड़ी गल है। और महकमे तो पैसे लै चुके हैं कई लोगों के रिकॉर्ड है इतने एक सामने जी बिल्डिंग है इन्होंने हाईकोर्ट तो जितया हुआ इस व्यक्ति के उत्ते कोर्ट के भी BBMB ने भी इन्हू नपया उत्थे पिछे सारा जंगल वढ़ लिया उत्थे BBMB ने भी नपया तो मेरे तो बेनती यह है भी जिस तरह ये अगे अगे वधी जांदे है लोगों के पैदा माहौल है लोगों से बड़ा टैरर है इस गल का भी ये की हो रहा सो ये ना हो कोई दंगा ही हो जाए कोई किसी को मार कुटेगा चार बंदे वो हो गए चार साढ़े हो गए सो ऐसे हालात ना प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है भी ये माहौल खराब ना हो असी हाथ जोड़ के प्रशासन को बेनती करते हैं भी इन्हों जा प्रॉपर जाँच की जाए लट्ठा मिबेस जोड़ा लट्ठा है लट्ठा ग ए वाला जोड़ा ले फिरते वो गलत लट्ठा ये पहले ही रिकॉर्ड चक्या होया इन्होंने यही माफिया है 20-30 साल तो लोगों की 50-50 हज़ार रुपए की जगह जी मरले की है लख लख रुपया मरला वो नहीं 5-5 हज़ार च ली हुई है बड़े बंदे है बुढ़े इन्होंने बेच गए सारे सियाने असी अज फिर 275 नंबर खसरा नंबर की निशानदेही रखी गई है हाईकोर्ट के थ्रू आई है तो पहला भी हुई है पहला भी गलत हुई है तो हूँ भी गलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिहड़ा जिहड़ी साडी मंग है साडी मंग यह है भी जिहड़ी ਵਿੱਚੋਂ ਕਨੈਲ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਲ ਕੱਟਤਾ ਰਕਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਠਾ 76% ਲੱਠਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਨਾਲੀਗਿਰੀ ਉੱਥੇ DC ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਬਈ 76% ਲੱਠਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਵੀ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਵੀ ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਗੋਦਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੱਠਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਠਾ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮੈਂ RTI ਲਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2004 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ RTI ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਲੱਠੇ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ 76% ਲੱਠਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਧਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਬ੍ਰਿਜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 210 ਕਿੱਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ 210 ਕਿੱਲੇ ਆ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਈਵ